एमएनएस न्यूज लाइव पर देखते आज की कुछ खास खबरें। फंस गया है भारत पाक पीएम। पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर दिल्ली हिंसा को लेकर मोदी सरकार और आरएसएस पर हमला बोला है। इमरान खान ने कहा कि आज भारत एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर है, जिससे वापस आना बहुत ही मुश्किल है। इतिहास बताता है कि भारत जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की फासीवादी और नक्सलीय विचारधारा अपनाई गई है, उससे केवल खून खराबा होगा। भारत में हिंदुत्व विचारधारा मुस्लिमों और ईसाइयों के खिलाफ नफरत फैला रही है और इसके अगले टारगेट देश के अन्य अल्पसंख्यक होंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इमरान खान ने कार्रवाई करने की मांग भी की है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इतनी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय को हाशिए पर रखे जाने की गंभीर नतीजे होंगे। भारत अब पूरी तरह से फंस चुका है। पूर्व पीएम नवाज शरीफ भगोड़ा घोषित। पाकिस्तान में इमरान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जमानत अवधि बढ़ाने से इनकार करते हुए उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है। सरकार का कहना है कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर इमरान सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री की सूचना प्रसारण मामलों की सलाहकार फिरदौस आशिक अवान ने जानकारी देते हुए कहा कि मेडिकल बोर्ड ने उनके भेजे गए मेडिकल सर्टिफिकेट को खारिज कर दिया और सरकार ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। अब कानून के हिसाब से नवाज शरीफ एक भगोड़े हैं और अगर वह देश नहीं लौटे तो उन्हें अपराधी करार दे दिया जाएगा। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।